हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी लोगों का मेरी एक और एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम ऐश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और मैंने देखा है तुम फैक्ट वीडियोस पर बहुत अच्छा मतलब वो देते हो सपोर्ट और प्यार, तो हाँ मैंने कहा फैक्ट्स देते हो। तो मैंने पोकेमोन के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट्स बनाए हैं, लेकिन आज ऐश के फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ऐश के चाहूँगे। और मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ यार, जल्दी 2K भी करवा दो, सो लेट्स बिगिन, ठीक है, 2K भी करना जल्दी से, चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या तुम्हें पता है कि ऐश का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन सा है, ठीक है, मतलब आज तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन सा है? तो वो है ऐश का पिकाचू, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, निंजा और चारिज़ार्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐश का पिकाचू। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। सेकंड फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि ऐश के चम हर रीजन के अंदर, ठीक है, जितने भी उसने पोकेमोन पकड़े हैं, मतलब जितने उनका टोटल कितने पोकेमोन पकड़े हैं ऐश ने, मतलब आज तक ऐश ने कितने पोकेमोन पकड़े हैं, तो वो है 83 पोकेमोन ऐश ने पकड़े हैं आज तक के, मतलब अपनी पूरी जर्नी के अंदर। और उसमें से 30 टॉरस भी है, मतलब जो 30 टॉरस उसने पकड़े थे जो मैं दिखाया गया था। और हाँ, अब थर्ड फैक्ट की बात करते हैं। तो थर्ड फैक्ट की बात ये है कि जो क्या आपको पता है कि जो ऐश का चारिज़ार्ड है, ठीक है, वो जितने भी पोकेमोन्स हैं, मतलब जितने भी ऐश के पोकेमोन हैं, स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और फायर टाइप वाइज सबसे ज़्यादा ताकतवर है इन्फर्नेप ऐश का, और स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़्यादा ताकतवर है चारिज़ार्ड। अब सेकंड फैक्ट की बात करूँ तो सेकंड फैक्ट ये है कि ऐश के पिकाचू के बाद, ठीक है, ऐश का पिकाचू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है ना, बट ऐसा कौन सा पोकेमोन है जो कभी नहीं हारा ऐश का, मतलब ऐसा पोकेमोन जो कभी भी नहीं हारा जब तक उसके साथ रहा, मतलब आज तक कभी भी नहीं, अनबीटेबल, मतलब कभी भी नहीं हारा, वो है ऐश का प्राइमेट इकलौता ऐसा पोकेमोन है ऐश का, कभी भी किसी से भी नहीं हारा। और हाँ, इसका मेन रीज़न ये भी है कि वो बहुत कम समय तक रहा है, और जितनी बैटल उसने करी है ऐसी ताकतवर था, तो जीतना तो उसका बनता ही है। तो नंबर वन फैक्ट की बात करने से पहले यार, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मतलब नए हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी दबाना, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है। तो नंबर वन फैक्ट ये है कि आज तक ऐश की, मतलब ऐश कहते हैं, ठीक है, जितना भी मतलब साल से पोकेमोन आ रहे हैं, उसकी कभी भी एज नहीं बढ़ी, वो 10 साल का 10 साल ही रहा है, और ना तो कोई बड़ा है और ना तो कोई मतलब लगता है बढ़ेगा, क्योंकि देखो। और तुम्हें क्या ये पता है कि ऐश का फेवरेट मतलब फूड कौन सा है खाने में? हाँ, ये थोड़ा वैलिड सा मतलब फैक्ट नहीं है, लेकिन मेरा से मेरे को फैक्ट वो तुम बताया तो वो है एप्पल। ऐश को एप्पल खाना मतलब बहुत पसंद है, तुमने उसमें भी देखा होगा, मतलब पोकेमोन की क्या बोलते हैं, पोकेमोन के एपिसोड में। तो हाँ, इतना ही था आज की वीडियो के लिए, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।